नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीके सिंह। सभी छात्र छात्राओं एवं अभिभावक गण को प्रेरणा परिवार की ओर से छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दुनिया का सबसे बड़ा दान कन्यादान या फिर रक्तदान है, लेकिन आज के समय में कोई व्यक्ति अपने लिए अगर वक्त दान करता है तो वो आज के समय में सबसे बड़ा दान माना जाता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चार ऐसे दोस्तों के बारे में आपसे जानकारियां शेयर करूंगा जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद जीवन के अलग अलग फील्ड में उतर करके अपना जीवन यापन करने के लिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अग्रसर होने वाले थे। जब इनके कॉलेज की पढ़ाई समाप्त हो गई और ये चारों मित्र पढ़ाई समाप्त करने के बाद एक अंतिम पार्टी रखा और इस पार्टी में उन्होंने एक होटल को हायर किया और चारों मित्र उस होटल में पहुंचे और वहां पर जाकर के चारों ने जम करके पार्टियां की। दोस्तों, जब ये पार्टी समाप्त हो गई जिसमें से चारों मित्रों ने एक दूसरे से वादा किया कि आज से हम लोग अब 40 वर्षों के बाद मिलेंगे और जिस समय हम लोग मिलेंगे उस समय हम सभी व्यक्ति इन 40 वर्षों के दौरान अपने जीवन में क्या क्या अचीवमेंट किए हैं, अपने जीवन में क्या क्या कमाए हैं और अपने जीवन में क्या क्या बेहतर किए, उन सभी बातों को लेकर के डिस्कस करेंगे और उसके बीच में हम कभी नहीं मिलेंगे। इन शर्त के बीच उन चारों व्यक्ति जिसमें से पहला मित्र संतोष, दूसरा अमित, तीसरा ज्योतिष और चौथा गणेश था, उन्होंने एक बॉन्ड पेपर बनाया और चारों व्यक्तियों को एक एक बॉन्ड पेपर थमा दिया कि इस बॉन्ड पेपर को अपने अपने घर में जो है ना फोटो फ्रेमिंग करके रखना और सबों को आज से 40 वर्ष के बाद वाला जो डेट है उसको याद करके रखना है और 40 वर्ष के बाद जब हम लोग मिलेंगे तो एक दूसरे से अपनी उपलब्धियों के बारे में डिस्कशन करेंगे और वहां पर एक बेहतरीन पार्टी दी जाएगी। और उस पार्टी में एक शर्त रख दिया गया कि आज से 40 साल के बाद जो भी व्यक्ति उस मीटिंग में सबसे बाद में पहुंचेंगे, यानी जो सबसे बाद में आएंगे, उस पूरे पार्टी का जो खर्च है उन अंतिम वाले व्यक्तियों को पे करना होगा। और इस शर्त के साथ उन्होंने अपनी पार्टियां उस होटल में समाप्त की कॉलेज के पढ़ाई के बाद। जब ये इन लोगों के बीच में ये बाउंडेशन बन रही थी, ये एक प्रकार का सुलह हो रहा था, तो उस समय उस होटल का जो वेटर था उन चारों मित्रों की बातों को जो है ना अच्छी तरह से सुन रहा था और जब वो चारों मित्रों की बात को सुना तो अंत में वेटर भी अपना राय देते हैं कि भगवान की अगर कृपा रही और आज से 40 साल के बाद मैं भी अगर आप लोगों के आसपास में रहूंगा तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे भी आपके इस मीटिंग में शामिल होने का मौका दें और हम भी देखना चाहेंगे कि आज से 40 साल के बाद, एक लंबे अरसे के बाद, आप सभी मित्र जब आपस में मिलेंगे तो आपके बीच में किस प्रकार का एक्साइटमेंट होगा, आपके बीच में किस प्रकार की खुशियाँ होगी, उन खुशियों में मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि शामिल। समय बीत गया, एक लंबा अरसा हो गया, 40 साल का समय बीत गया, लेकिन इन 40 वर्षों के दौरान ये चारों मित्र संतोष, अमित, ज्योतिष और गणेश इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आज से 40 साल के बाद हम सभी मित्रों को एक साथ इकट्ठा होकर के उस पार्टी में शामिल होना, जिसके लिए मैंने कॉलेज के अंतिम दिनों में, अंतिम समय में हमने जो निर्णय लिया उस पर हम लोगों को अमल करना। समय बीतता गया, इन 40 साल के दौरान संतोष जो है एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, अमित एक शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर बन गया, ज्योतिष जो है उस शहर का एक सबसे बड़ा बिल्डर बन गया और गणेश जो थे वो भी एक बड़े से सरकारी पद पे स्थापित हो गए और शहर में जो है इन चारों मित्रों की जो जीवन शैली थी वो काफी अधिक बेहतर हो गई और वो अपने अपने क्षेत्रों में एक अच्छे नागरिक बने और अपने जीवन में अलग अलग प्रकार का अचीवमेंट जुटाने में कामयाब भी हो गए। अब फाइनली जो है वो 40 साल, यानी आज से जो 40 साल जो कॉलेज के दिनों में इन्होंने एक जो समय फिक्स किया था वो समय आ गया और चारों मित्र आज के दिन अब एक होटल में जो है इकट्ठा होना था। जिन होटल में इन चारों मित्रों ने कॉलेज के समाप्ति के बाद अपना मीटिंग रखा था, आज वो होटल जो है 5-स्टार होटल बन गया, क्योंकि इन 40 वर्षों में शहर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, शहर की जो विधि व्यवस्था है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई। जो कॉलेज के समय में एक साधारण सा होटल हुआ करता था, आज के समय में यानी 40 साल के बाद वो होटल जो है ना 5-स्टार होटल में कन्वर्ट हो गया। तो ये शर्त रखी गई थी कि शायद अगर ये होटल रहे तो इन्हीं होटल में हम लोगों को आज से 40 साल के बाद मीटिंग रखना। और
इस बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले संतोष जो है उस होटल में पहुंचते हैं, मैंने कॉलेज के दिनों से 40 साल के बाद। और जब संतोष जो है होटल में पहुंचते हैं तो होटल का जो मालिक होता है वो सबसे पहले आकर के जो है ना संतोष का वेलकम करता है। इस बात को देख करके संतोष चौंक जाते हैं कि भाई कम आज पहली बार इस होटल में आ रहे हैं और होटल का जो मालिक है वो आकर के हमको वेलकम करता है। और जब संतोष होटल के मालिक से पूछता है कि भाई आप तो होटल के मालिक हैं, आप किसी भी स्टाफ से मेरा वेलकम करवा सकते हैं, क्या आप सभी व्यक्तियों के लिए इस प्रकार से वेलकम करते हैं? तो होटल का जो मालिक होता है वो बड़ी विनम्रतापूर्वक कहता है कि आज से 40 साल के पहले जब जिस होटल में आपने आज के लिए जो इस प्रोग्राम को रखा है ना उस समय मैं भी आपके साथ शामिल था और मैं उस समय इस होटल में वेटर था। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि आज से 40 साल के बाद जब भी आपकी मीटिंग हो तो मैं भी उस मीटिंग में शामिल हूँ। और ईश्वर की आज कृपा देखिए कि ईश्वर ने हमें इस पूरे जो होटल है 5-स्टार होटल इसका मालिक बना दिया और मैं भी उस डेट को नहीं भुला हूँ। और अब मैं भी आज देखना चाहता हूँ कि आज आप चारों लोगों का जो ये मीटिंग होगा वो किस प्रकार का मीटिंग होगा और भगवान ने शायद हमें इसके लिए चुना भी है। इस बात को सुन करके जो संतोष थे वो काफ़ी उत्साहित हुए कि चलो वेटर भी जो है संजोग से हमारे इस मीटिंग में शामिल होंगे। इसी तरह दूसरे नंबर पे अमित आते हैं जो कि शहर के एक बहुत बड़े डॉक्टर थे। तीसरे नंबर पर जो है वहाँ पर ज्योतिष आता है जो कि एक बहुत बड़ा जो है बिजनेसमैन है शहर का। और इन तीनों व्यक्ति के पहुँचने के बाद अब चौथा जो नंबर है वो होता है गणेश का आने का। दोस्तों 3-4 घंटे का समय बीत जाता है, जम करके पार्टियाँ होती है, बार बार जो है होटल के मालिक जो है उनके स्वागत के लिए अलग अलग प्रकार की वैरायटीज उनके सामने में रखते हैं और उन लोगों को कहते हैं कि भाई आप जम करके एंजॉय कीजिए क्योंकि मैं भी अपने जीवन का सबसे सुखद पल महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि मैं भी चाह रहा था कि आज से 40 साल के बाद जिस समय आपकी जो मीटिंग खत्म हुई थी कॉलेज के समय, मैं भी यह चाह रहा था कि आज का समय मैं भी देखूँ। अब ये तीनों मित्र जिसमें कि संतोष था, अमित था और ज्योतिष था, ये काफ़ी खुश थे, इसलिए खुश थे कि ये 40 वर्षों के बाद आज जो है ना मिले थे। लेकिन उनमें एक दुखी भी इस बात का था कि गणेश जो है 40 साल के बाद जो वादा किया था उस वादा को आज निभा नहीं रहा, इतना लेट से आ रहा, इस लेट के आने से क्या वजह हो सकती है। इन बातों को सोच करके ये तीनों मित्र जो है वो थोड़ा सा चिंतित थे। लेकिन होटल का जो मालिक था उसको बार बार इस बात से अवगत कराते रहे कि भाई आप करिए, क्योंकि हमारी बातचीत गणेश से भी हुई है और गणेश जो है वो बताए थे कि हम निश्चित रूप से इस मीटिंग में शामिल होने के लिए आएंगे। इस तरह से ये तीनों मित्र इंतज़ार करते करते संध्या हो गई, संध्या से रात्रि हो गई और जब रात्रि हो गई तो फाइनली तीनों मित्रों ने बोला कि शायद ऐसा भी कुछ हो सकता है कि गणेश को कोई ना कोई काम आ गया होगा या हम लोगों से भी ज़्यादा उसके पास कम समय बचा होगा जिसके कारण आज इतने अच्छे महत्वपूर्ण दिन को वो मिस कर रहे हैं। और अंततः जो है फिर से ये तीनों जो है जाने के लिए तैयार हो गए। और जो ही ये होटल से बाहर जाने लगे और काउंटर पे जाकर वो बिल पे करने लगे, उसी दौरान जो है फिर से वहाँ का जो मालिक था वो सामने आ गए और उन्होंने यहाँ पर जो है तीनों मित्रों से कहा कि आपको बिल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल जो है आप तीनों के आने से पहले ही गणेश जो है वो पे कर चुका था। अब इस बात को सुन करके संतोष, अमित और ज्योतिष में एक और भी अधिक गुस्से की भावना आ गई कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, मित्रता में ये कोई बड़ी बात नहीं हुई कि बिल पे कर दिया और वो आए नहीं, उसको आना चाहिए। यहाँ पर बिल पे करने से ज़्यादा जो महत्व है वो किसका है कि इन चारों मित्रों का जो है ना आपस में मिलना जरूरी था। अब इन सभी बातों को सोच करके ही जो ही वह होटल से बाहर निकल रहे थे कि एक चमचमाती हुई सरकारी गाड़ी होटल के आगे में रुकती है और रुकने के बाद उन तीनों जो मित्र थे जिसमें कि संतोष, अमित और ज्योतिष थे, उन तीनों को पैर छू करके प्रणाम करते हैं और बड़ी विनम्रता से बोलते हैं कि मैं जो हूँ गणेश का पुत्र हूँ और गणेश जो है जो कि आपके चौथे मित्र थे वे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और आज से एक वर्ष पहले उनको एक भयंकर बीमारियाँ हुई थी और उस बीमारी के इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब वो मरने लगे थे, अपने जीवन की अंतिम अवस्था में थे, तो उन्होंने हमें बुला करके हमसे एक वादा करवाया था कि आज से एक साल के बाद यानी आज के दिन में हमारे तीन मित्र जो है ना इस होटल में आकर के हमारा इंतज़ार करेंगे और वहाँ पर तुम्हें जाना है
और मेरे बारे में उन सबों को मैसेज देना। और इतना बात सुनते ही जो तीनों मित्र थे जिनको जिनको कि अभी अपने गणेश के लेकर के काफ़ी नाराजगी थी, काफ़ी रुष्ट थे, वो उन्हें लग रहा था कि वो पैसे के धोंस दिखा रहे थे, अब तीनों मित्रों के आंखों में आंसू आ गए और तीनों मित्र जो है वो फूट फूट करके रोने लगे कि शायद हम लोगों ने इस दुनिया में सब कुछ अचीवमेंट कर लिया, लेकिन चारों मित्रों की जब मिलने की बारी आई तो हमारा एक मित्र जो गणेश है वो आज अब इस दुनिया में है नहीं और वो अब हमसे जीवन में कभी भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैंने वीडियो से पहले ही आपको छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं बताया था, लेकिन दोस्तों ये शुभकामनाएं तभी पूरा होगा जब आप अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्र के लिए समय निकालेंगे। इस दुनिया में सबसे बड़ा दान कन्यादान और रक्तदान है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए वक्त दान करता है तो वो दान इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। दोस्तों, कम से कम इस छठ पर्व में आप अपने परिवार के लिए, अपने मित्र के लिए, अपने आसपास के समाज के लिए समय निकालिए, और चाहे आप किसी भी काम में क्यों ना व्यस्त हो, उन काम को काम ही रहने दें और जीवन में निश्चित रूप से अपनों के साथ वक्त बिताइए, क्योंकि जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जीवन में आपको संपत्ति मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, शोहरत मिल जाएगा, नाम और मान सम्मान मिल जाएगा, लेकिन आपके अपनों का प्यार जो है इससे वंचित हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो छठ है ये एक ऐसा पर्व है जो कि आपको आपसे मिलने का मौका दे रहा है, तो कोई भी काम रहे उन काम को आप काम ही रहने दें और जितना जल्द से जल्द हो सके आप अपने परिवार के सामने पहुँचे, अपने परिवार से मिलने का प्रयास करें। नहीं तो ऐसा ना हो कि भविष्य में आप रुपया कमाने के पीछे इतना व्यस्त रह जाएं कि आपको जिनके लिए रुपया कमा रहे हैं वही आपसे सीधे दूर चले जाएं। दोस्तों, हमारा जीवन एक खिलौना हो चुका है और ये खिलौना कब टूट जाए दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जब से हमारे जीवन में चाइनीज वायरस आए हैं ना, उस दिन से ये खिलौना और भी चाइनीज माल बन चुका है और इसकी गारंटी किसी भी कीमत में सुरक्षित नहीं है। अतः हम आप सबों से नव निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस छठ पर्व में निश्चित रूप से अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने समाज के साथ समय बिताएं।